गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल वाले वीडियो में आप लोगों ने जिस मंदिर को देखा था उसी पहाड़ में और एक मंदिर है, मतलब मंदिर तो बहुत सारे हैं, तो टोटल 10 मंदिर है। तो उनमें से मैं दो मंदिर दिखाना चाह रहा हूँ। मैं कामाख्या मंदिर इसलिए नहीं दिखाया कि कामाख्या मंदिर इतना पॉपुलर है कि सब लोग को पता है कामाख्या मंदिर के बारे में, और कामाख्या मंदिर शायद आप लोगों ने आप लोग आ भी चुके होंगे कि कामाख्या मंदिर मतलब इतना फेमस है ना। तो लेकिन उस पहाड़ में जितने भी और अलग अलग मंदिर हैं उनमें से मैं दो मंदिर को चूज़ किया जहाँ पे मैं जाके विज़िट करके आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। तो मैं अभी जहाँ पे हूँ, अभी एक व्यू पॉइंट में मैं बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ, और ये व्यू पॉइंट है नीलाचल हिल्स के सबसे टॉप पे है, मतलब इसके ऊपर नीलाचल हिल ख़त्म, मतलब ये टॉप पे है। और सबसे पहले मैं यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ, क्या व्यू मिलता है गुवाहाटी का। मैं एक छोटा सा व्यू, एक मतलब आज इतना मौसम इतना अच्छा नहीं है व्यू के लिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को एक व्यू दिखाता हूँ। चलो व्यू को एंजॉय करते हैं सबसे पहले। मैं अभी इतने ऊपर हूँ, इतने हाइट पे हूँ कि मतलब यहाँ पे गर्मी का कोई फील नहीं। आज धूप नहीं है वैसे भी, लेकिन फिर भी मुझे गर्मी का कोई एहसास नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। आप लोगों ने जैसे देखा सामने ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र देख के आप लोग यहाँ पे थोड़ी देर चिल मार सकते, मतलब इतने शांति का माहौल है यहाँ पे। मतलब मैं सोचा नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ इस ऊपर, इतने ऊपर तक। मैं कामाख्या मंदिर तक एक दो बार आया था, लेकिन कामाख्या मंदिर के ऊपर आज तक नहीं आया था। तो मैं सबसे पहली बार आया हूँ कामाख्या मंदिर के ऊपर। बाकी चलो अब जिस काम के लिए यहाँ पे आए थे, आप लोग को मंदिर का दर्शन कराते हैं, मंदिर दिखाते हैं, भुवनेश्वरी मंदिर और मंदिर के बारे में आप लोग को डिटेल में बताते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे किसी भी मंदिर में जाने के लिए इतना सुंदर माहौल होता है, इतना सुंदर मतलब जगह होता है, जाने का आने का रोड जो होता है ना, आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से बना के रखा है। तो चारों ओर पेड़ पौधों से मतलब पूरा घिरा हुआ है, और जाते जाते आप लोग को वैसे मंदिर पहुँच जाते हैं आप लोग। तो चलो मंदिर के अंदर चलते हैं। गाइज यहाँ पे आके मैंने जो देखा, आप लोग मतलब विश्वास नहीं करोगे, मैंने जो देखा अभी आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ, कैमरा घुमाने जा रहा हूँ, जो व्यू मुझे यहाँ से दिख रहा है गुवाहाटी के किसी भी कोने में आपको ऐसा व्यू नहीं दिखने वाला है। किसी भी पहाड़ में चढ़ जाओ ऐसा व्यू नहीं दिखने वाला है। तो चलो दिखाते हैं आप लोग को व्यू, आप लोग बोलेंगे कि वाओ इतनी सुंदर। मैं लिटरली मंत्रमुग्ध हो गया हूँ, मतलब मैं इतना इतना भारी शब्द यूज़ कर रहा हूँ, मतलब मुझे खुशी का ठिकाना नहीं। मतलब ये जो व्यू देख के मुझे जो फील हो रहा है ना, मतलब सही बताऊँ ना आप लोग, कैमरा में देख के इतना इतना एंजॉय नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे आके जो फील मिल रहा है, और ऊपर से आज इतना मौसम धुंधला धुंधला है, लेकिन इतना अच्छा मौसम है, इतनी मस्त हवा, ठंडी ठंडी हवा, तो मतलब क्या बताऊँ आपको, इतनी सुंदर जगह यार ये गुवाहाटी में, इतनी सुंदर जगह मुझे पता भी नहीं था यार। मेरे बैकग्राउंड में देखिए, मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मतलब आप लोग सोचिए मैं मुझे कैसा फील हो रहा होगा। तो यार इतना दूर आने का, मुझे इतना दूर इतना ऊपर आने का, मुझे मतलब ऊपर तो मेहनत तो इतना लगता नहीं, क्योंकि स्कूटी गाड़ी सब कुछ यहाँ तक आ जाती है, मतलब रोड इतने अच्छे हैं तो आप लोग कहीं भी आ सकते हो, मतलब किसी भी मंदिर में आप लोग गाड़ी लेके आ सकते हो। तो भाई कुछ भी बोलो यार, व्यू तो बहुत मस्त है। आप लोग ने एंजॉय किया कि नहीं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप लोग मतलब इतना अच्छा व्यू कभी गुवाहाटी का देखा है कि नहीं ये भी मुझे बताना। तो चलो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते, इतनी सुंदर व्यू के अंदर मैं आज इस वीडियो को एंड करने जा रहा हूँ। मतलब मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, शब्द नहीं आ रहा मुझे एक्चुअली। व्लॉग के चक्कर में ना मुझे खुद एक्सप्लोर करने को मौका मिल रहा है, मतलब मैं खुद इतना गुवाहाटी में इतना घूमा नहीं हूँ जितना मतलब व्लॉग के चक्कर में घूम रहा हूँ मैं। तो देखता हूँ मैं थोड़ी देर अगर एंजॉय कर पाता हूँ तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के चिल मारता हूँ, उसके बाद चलता हूँ कहीं और, देखता हूँ कहाँ और व्लॉग बना सकता हूँ। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही था, आप लोग को देखे कैसा लगा व्लॉग मुझे बताना ज़रूर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, और अगर अच्छा लगा तो लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।